इंडिया का में देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दूध वाले पशु का व्यापार करने वाले कुछ व्यापारियों ने कैमरे के सामने आकर किए खुलासे। उन्होंने बताया कि हम दूध वाले पशु बेचने का व्यापार करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हम लीगल तरीके से पशु बेचने का कारोबार करते हैं। कुछ कागजात भी मीडिया के कैमरे के सामने दिखाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हम लोग व्यापार करते हैं, लेकिन जो बीते दिन जो रोक लगा दी है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने पर, उन्होंने बताया कि हम लोग काफ़ी पशु खरीद चुके हैं, हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गुहार लगाई कि जो रोक हटाई जाए ताकि हमें राहत मिल सके। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आओ सुनते हैं उनकी जुबानी, दिखाते हैं आपको वहाँ की तस्वीरें। देखते रहे इंडिया क्राइम न्यूज़, पत्रकार कमलजीत कौर की कानवान गुरदासपुर से ये रिपोर्ट। क्या नाम है? अकरम लीडर सर। जी सर, हम यहाँ कंटिन्यूसली से काम करते हैं इधर। जी सर, हम 7 बंदे आए थे उधर कश्मीर से, परमिशन लेके आए थे सर। फिर प्रेसिडेंट ने बोला था आपका नंबर है। जी सर, जब नंबर आया सडनली हम सुन रहे हैं कि काम बंद है, जहाँ है उधर रुको, माल मत ले जाओ। डेरी कब लेते हैं सर? डेरी कब जो घर वालों को देते, दूध का काम करते उधर सर। हम इधर बहुत जगह से सर ये गाय खरीदते हैं, बहुत जगह से, हम बहुत डिस्ट्रिक्टों से आते हैं इधर। जहाँ जहाँ मिलेगा ये अच्छी दूध वाली गाय है, हम वहाँ से लेते हैं सर। जी सर, हमारा डीसी का परमिशन है, जितने भी हमारे कंसल्ट डॉक्टर है उधर वेटरनरी के, सब की परमिशन है। हमारा इधर कागज़ है, लीगल तरीके से हम काम करते हैं सर। जी सर, अचानक बोल रहे हैं आप माल नहीं ले सकते हो, बोल रहे हैं कुछ G20 का मीटिंग है 6-7 दिन बाद। हम इधर फंसे, अगर 2 दिन या 3 दिन पहले बताते कि ये काम बंद हो जाएगा 4 दिन पहले, हम नहीं लेते माल। मगर बोला नंबर है आपका। अभी जब हमने सारा पैसा निकाला, हम 7 बंदे हैं, कम से कम 15 लाख निकाला, अब बोल रहे हैं आप इधर ही रहो, माल जितना भी उधर ही बांधो। सर, हम क्या करेंगे इधर सर? अभी कम से कम हमको 7 बंदों का 10-10 हज़ार लग रहे हैं दिन का, पट्ठे का, चोकर का, फीड का, खाने का, क्या करेंगे? 2-3 दिन हो गए सर इधर। सर वो कम से कम 50-50 हज़ार के इधर खरीदे, फिर आता है उधर 10-15 हज़ार आता है, खर्चा भी किराया विराया लगता है सर। सर हम यही अपील करता है अपने डॉक्टर को, जो हमारे कंसल्टेंट डीसी कठुआ है, यही अपील करते कि हमको इस वक्त इस मुसीबत से हमको छोड़ो सर, दोन दे हम इधर। जी सर। क्या नाम है? जी मेरा नाम है सर अनायत हुसैन। जी सर, हम यहाँ पशु खरीदने आ रहे हैं, दूध वाला पशु 20-20 लीटर, 25-25 लीटर वाला। हम यही काम करते हैं, कारोबार लगभग हमको 5-6 साल हो गया सर जी। मगर आज हम अचानक यहाँ आए, 5-7 दिन हो गया, हम यहाँ 7 बंदे आध बंदी खड़ा है, 15-20 लाख का माल हमने लिया है। अचानक कल रात हमने सुना खबर के बंद हो गया। अब हमको ये माल निकालना है किसी तरीके से, पता नहीं ये क्यों किया। पहले हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 4 दिन पहले हम माल नहीं लेते, अब हमने लिया है। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी तरीके से यहाँ से निकालो। 5-6 साल सर जी, 5-6 साल। क्या करते हैं इनका सर जी? दूध के लिए बेचते हैं, वहाँ घरों में ले जाते हैं, दूध निकालते हैं, डेयरी में देते हैं, गुरदासपुर से, कारवान से, पेनी से, अमृतसर से, लुधियाना से, खन्ना मंडी से पशु लेते हैं सर जी। जी सर, परमिशन है हाथ में है, डीसी का परमिशन है, चीफ का परमिशन है, वीएस का परमिशन है, जो लखनपुर में डॉक्टर साहब है बहुत अच्छा है, ईमानदार डॉक्टर, ईमानदारी से काम करता है। मगर हमने उससे फोन पर रब्ता किया था, वो बोलता है मेरे हाथ बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादातर कहा जाता है कि जहाँ से पशु ले जाते हैं, जी सर, आते हैं, पाबंदी भी लगी हुई है गवर्नमेंट जी, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, वो तो कोई बंदा होता है 2 नंबर वाला काम करते हैं, मगर हमारे पास कागज़ है, हम लखनपुर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पहले चेक करते हैं डॉक्टर साहब, फिर जब उनको कुछ गाय में शक हो जाएगा वो वापस करते हैं सर जी, वो नहीं लेने देते हमको। जी सर, मैंने खुद की 2 गाड़ी खरीदी है, 14 पशु, लगभग हो जाएगा ये 10-11 लाख में, 21-25 लाख तक हो जाएगा सर जी। पाबंदी लगा दी, कल रात से पाबंदी लगा दी है, 10 दिन के लिए बोलते हैं छुट्टी है, मगर हमारा पशु यहाँ बर्बाद हो जाएगा। एक तो गर्मी भी है और सुया डंगर भी, यहाँ पट्ठा भी लेना पड़ता है, लोगों को हमने पैसा दिया है, घरों में माल बंधा हुआ है, यहाँ भी कुछ लाया 1-2 गाड़ी, घर वाले परेशान कर दे, माल ले जाओ अपना, हम कहाँ ले जाएंगे सर जी। करना पड़ा एकदम सर जी, कल का कानून निकला वहाँ लखनपुर से,
एकदम कल शाम को हमको ये खबर आई कि बंद हो गया। अगर चार दिन पहले पाँच दिन पहले पता लगता तो हम ये पशु नहीं लेते इस वक्त, मगर आज सवेरे उधर कानवाई निकला, 20-25 गाड़ी निकला लखनपुर से। गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़े यहाँ से। यहाँ इस वक्त हम यहाँ 7 बंदे खड़े हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और 7 बंदे, लगभग 30-35 गाड़ी बंद है इस वक्त यहाँ पर। जी सर, इंडिया क्राइम न्यूज, जुर्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।